भारतीय सेना को बहुत जल्द सिग 716 राइफल मिलने जा रही है। 6716 राइफल दुनिया की सबसे घातक राइफल्स में से एक मानी जाती है। अमेरिकी सेना के अलावा नेटो के कई देश इस राइफल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब भारतीय सेना को करीब 73,000 6716 राइफल डिलीवर की जाएंगी और इस डिलीवरी के बाद भारतीय सेना के पास आपको बता दें 1.45 लाख से ज्यादा 6716 असॉल्ट राइफल्स हो जाएंगी। अब इन राइफल्स को चीन पाकिस्तान सीमा पर तैनात जवानों को सौंपा जाएगा, जिससे बॉर्डर पर तैनात भारतीय सेना की ताकत और जवानों का हौसला कई गुना बढ़ जाएगा। अब इस बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि राइफल्स भारतीय सेना को दुश्मनों पर अधिक प्रभावी ढंग से फायरिंग करने में सक्षम बनाएंगे। इसलिए अब इन्हीं राइफल्स की खासियत आपको बता देते हैं कि आखिर क्यों सबसे खास मानी जाती है SIG 716 राइफल। रेंज 600 मीटर, फायरिंग क्षमता 600 से 650 राउंड पर मिनट और फायरिंग मोड सेमी ऑटोमैटिक और फुली ऑटोमैटिक। साथ ही इसका वजन है 3.85 किलो और अचूक निशाना 100% एक्यूरेसी। कैलिबर 7.62x51mm और ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिस्टन ड्राइव। और ये राइफल्स भारतीय सेना को दुश्मनों पर ज्यादा प्रभावी ढंग से फायरिंग करने में सक्षम बनाएंगी। इसकी खूबियां आपने जान ली हैं, लेकिन क्यों अचूक मानी जाती है 6716 ये भी जान लीजिए, क्योंकि दुश्मन पर दूर से निशाना साधने में सक्षम है। राइफल को चलाना बहुत आसान है, किसी भी परिस्थिति में काम कर सकती है और अमेरिकी सेना जिस तरीके से इसका इस्तेमाल करती है, अफगानिस्तान में भी इसका इस्तेमाल किया गया था, नेटो सेना के पास भी इससे एक राइफल है। और अगर इस राइफल के वेरिएंट्स की इंफॉर्मेशन अब आपके सामने रखें तो 4 वेरिएंट के बारे में भी जान लीजिए। ये कौन कौन से वेरिएंट है इसके बारे में अब अगली इंफॉर्मेशन आपके सामने रखेंगे। हालांकि अभी तक क्यों ये अचूक मानी जाती है 6716 ये आपने जाना, अब इसके वेरिएंट्स के बारे में जान लीजिए, क्योंकि अलग अलग वेरिएंट में यही इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं। जहां पहला वेरिएंट है 6 SIG 716 CQB, जो कि नजदीकी लड़ाई में इस्तेमाल होता है, छोटा आकार होता है और अचूक निशाना लगाता है। साथ ही दूसरा वेरिएंट है 6716 कार्बाइन, जो कि बहुत खतरनाक मानी जाती है, और कार्बाइन फॉर्मेट जो कि बेहद घातक माना जाता है। तीसरा वेरिएंट 6716 जो कि प्रिसिशन मार्क्समैन, बैरल की लंबाई 20 इंच और स्नाइपर के लिए बहुत बेहतरीन। वहीं चौथा वेरिएंट 6716 पेट्रोल ओरिजिनल लेंथ वाली राइफल ये। लेकिन आपको हम ये भी बता दें कि इसी बारे में अंजू निर्वाण ने एक रिपोर्ट भी हमें भेजी है, ये रिपोर्ट देखिए। और आपको बता दें ये रिपोर्ट एक प्रदर्शनी की है जहां सिग राइफल को दिखाया गया था। एलएसी पर अपनी तैयारियों को और भी ज्यादा पुख्ता करने के लिए अब भारत ने एकदम लेटेस्ट हथियारों को अपने साथ रखना शुरू कर दिया है। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं एकदम लेटेस्ट टेक्निक से बनाए गए ऐसे हथियार, जो कि और भी ज्यादा घातक हैं, और भी ज्यादा सटीक हैं और बहुत ज्यादा दूरी तक भी बैठे हुए दुश्मन को टारगेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम दिखाते हैं ये अमेरिकन गन, जो कि जिसका नाम है 6 राइफल, किस तरीके से ये काम करती है। जहां तक इसकी जानकारी हमें है कि ये 500 मीटर तक की दूरी पर दुश्मन को टारगेट कर सकती है, लेकिन इसकी और क्या खासियत है उसकी हम बात करते हैं, क्योंकि ये वो वेपन सिस्टम है जो कि इंसास और AK-47 को एक तरीके से आने वाले समय में पूर्णतः रिप्लेस करेगा। लेकिन अभी भी बहुत सारे जवानों के पास अलग अलग बॉर्डर्स पे ये गन्स दी गई है, यहाँ पर हमारे जवानों के पास भी है। इसके बारे में हम समझते हैं सर, ये 6 राइफल कैसे काम करती है, क्या खासियत मैम? सेक्शन की फायर पावर को और भी बढ़ाने के लिए हाल ही में अभी 7.62mm 6/16 राइफल को शामिल किया गया है। इसका कारगर रेंज 500 मीटर है, जिससे हम दुश्मन को लंबे कारगर रेंज तक बर्बाद कर सकते हैं। इसकी बट की अलग अलग पिछने होने के कारण अलग अलग एक जो फायर है अलग अलग प्रकार से शिस्त लेकर उसको फायर कर सकता है और दुश्मन को बर्बाद कर सकता है। इसमें जो साइट सिस्टम दिया गया है, जिस उसको एक फायरर खुद को अपने हिसाब से ज्यूरिंग कर सकता है और उसको किसी भी टूल की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसमें पैकेटनी रेल की सुविधा दी गई है, जिससे वो अलग अलग साइट का इस्तेमाल भी कर सकता है। और उसके बाद इसमें जंप कंपनसेटर के लिए अलग से 3-प्रॉन्ग सिस्टम दिया गया है, जो इसकी एक्यूरेसी को और भी बढ़ा सकता है। ओके, तो देखिए दुश्मन के सामने ये एक्यूरेसी को बढ़ाता है। और वन राउंड में सर ये कितने बुलेट फायर कर सकता है? 650 से लेकर 850 मीटर एक मिनट में फायर कर सकता है मैम।